कैसे हो यार? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वीडियो के लिए टाइटल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो भी टाइटल फाइंड करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, कीवर्ड्स को फाइंड करना है, ये जो भी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ये हमारे SEO के पार्ट में आ जाती है, SEO के अंदर आ जाती है ये सारी चीज़ें। और इन्हीं सभी चीज़ों से हमारा SEO होता है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, अगर मैं यही वीडियो को SEO के ऊपर क्रिएट कर लेती हूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटा का टाइम लग जाता। आप लोग उस वीडियो को तो वॉच भी कर लेते लेकिन आप लोगों के सब दिमाग के ऊपर से चले जाता। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगी कि आपको टाइटल को कैसे फाइंड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है। आज हम बात करेंगे टाइटल को कैसे फाइंड करना होता है। देखिए, हमारा डिपेंड करता है कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में है। आपको काफ़ी सारे क्रिएटर बोलते होंगे कि कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आपको हर वीडियो में कॉपी पेस्ट ही करना होता है। आपके पास कोई टीम तो है नहीं कि आपको कंटेंट सजेस्ट करके दे, आपके लिए टाइटल फाइंड करके दे कि आपको क्या टाइटल रखना है अपनी वीडियो के लिए। तो आपको हमेशा टाइटल को तो कॉपी पेस्ट ही करना होता है। कॉपी पेस्ट भी बड़े ही दिमाग से करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने उठाया और अपने टाइटल में पेस्ट कर दिया। तो यार, जो भी हमारा टाइटल वाला सेक्शन होता है उसमें हमें 100 वर्ड्स लिखना होता है। वहाँ पे अगर हमें 100 वर्ड्स के ऊपर लिखना है तो हम नहीं लिख पाते। अगर आपको अपना टाइटल लिखना है तो हमेशा आपको 100 वर्ड्स के अंदर ही अपना टाइटल को लिखना होता है। आपको कई सारे क्रिएटर बोलेंगे कि आपको जब अपने टाइटल में कम से कम आपको 30 से 35 ही वर्ड्स को लिखना होता है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको टाइटल लिखना है तो आपको पूरे 100 वर्ड्स में अपने टाइटल को लिखना होता है। क्योंकि यूट्यूब खुद आपको बोल रहा है कि आपको 100 वर्ड्स में अपने टाइटल को लिखना है, तो आपको किसी की भी नहीं सुनना है। आपको हमेशा अपने टाइटल को 100 वर्ड्स के अंदर ही लिखना होता है। तो हमें टाइटल कैसे लिखना होता है? देखिए, टाइटल लिखने का तरीका ना बड़ा ही डिफरेंट होता है। हमारे पास हमारी ऑडियंस कैसी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टाइटल को कैसे फाइंड करना होता है, टाइटल आपको कैसे लिखना होता है, कैसे फाइंड करना होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। सिंपली आपको वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। और आप लोग चैनल पे पहली बार आया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बात करेंगे टाइटल को कैसे फाइंड किया जाता है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप टाइटल को फाइंड कर सकते हो, और हमें हमेशा अपने टाइटल में एक कीवर्ड्स और एक टैग का यूज़ करना होता है। ये बात तो आपको ध्यान में हमेशा रखनी कि आपको अपने टाइटल में टैग और कीवर्ड्स का हमेशा यूज़ करना है, ताकि जो कोई भी आपके टाइटल को सर्च करे तो आपका टाइटल रैंक करे। तो अगर आपके पास ऑडियंस है, जैसे कि आपकी वीडियो को हिंदी में सबसे ज़्यादा ऑडियंस वॉच कर रही है, तो आपको हमेशा अपना टाइटल हिंदी और इंग्लिश में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका टाइटल है वो जो आपकी ऑडियंस है उन्हें पढ़ने में आसानी जाए। आसानी का मतलब यही होता है, जैसे कि आपका चैनल कुकिंग रिलेटेड है, आप सब्जी बना रहे हो पनीर की, तो आपको कैसा लिखना है पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, या फिर पनीर कैसे बनाएं, आप ऐसे भी लिखोगे तो ऑडियंस को समझ आ जाएगा। और या फिर आपको इंग्लिश में लिखना है जैसे कि हाउ टू मेक पनीर, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो आपकी ऑडियंस आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हीं टाइटल को कुछ गलत तरीके से लिखते हो, जैसे कि आपने लिख लिया कि हाउ टू मेक पनीर, पनीर की सब्जी कैसे बनाए, पनीर की सब्जी कैसे बनाती है, पनीर रेसिपीज, तो इस तरीके से हमारे ऐसे बहुत सारे टाइटल हमारे दिमाग में आ जाता है। तो आपको इन्हीं सब टाइटल में से फाइंड कैसे करना है, आपको पहले चेक कर लेना है कि सर्च वॉल्यूम किस टाइटल पर सबसे ज़्यादा है, ऑडियंस आखिर क्या सर्च कर रही है सबसे ज़्यादा। जैसे कि पनीर की सब्जी कैसे बनाए, सिंपली काफ़ी लोग यही सर्च करेंगे, हिंदी टाइटल है और हिंदी सभी लोगों को आती है और हिंदी आसान और सरल भाषा है। तो इस तरीके से आपको भी अपने टाइटल को एकदम सरल लिखना है। तो किसी वेबसाइट की अगर आपको यार आप बिना वेबसाइट की मदद लिए भी आप एक एप्लीकेशन का यूज़ करके टाइटल को फाइंड कर सकते हो। वो एप्लीकेशन का नाम है टैगयू। अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हो और कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स में जाके सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, और आपको यहीं से कीवर्ड्स को यूज़ करना है। आपको कोई भी एक या दो टाइटल को यूज़ करना है, और आपको हमेशा अपने टाइटल में हिंदी में कीवर्ड्स लिखना है। आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी में कर देना, और आपको दोनों लैंग्वेज में कीवर्ड्स का यूज़ करना है, ताकि आपका जो टाइटल है वो एकदम आसान हो, जो सर्च करे आपके ऑडियंस तो बिल्कुल आपका जो टाइटल है वो सर्च में आए। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।